जब अर्थ अपने रेवोल्यूशन पर होती है, यानी कि जब वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वो टू सिचुएशंस बनाती है। एक होता है उसमें एपिहेलियन और दूसरी होती है उसमें पेरिहेलियन। एपिहेलियन बनाती है 4 जुलाई को, कि जब सन और जो अर्थ है उसके डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है वो अर्थ सन से, तो उस टाइम पीरियड में जो सिचुएशन बनती है, पोजिशन जो होती है अर्थ की, उसको कहा जाता है एपिहेलियन, जिसको हम हिंदी में अप्सोर भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा दूरी को शो करती है और दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 152 मिलियन। सेकंड पोजीशन जब बनती है उसी रेवोल्यूशन पाथ पर, कि जो उनके बीच की दूरी है वो सबसे कम हो जाती है, तो जो डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच में वो कितना हो जाता है, 147 मिलियन किलोमीटर। तो ये कब होता है, ये 3 जनवरी को होता है। इस सिचुएशन को या इस पोजीशन को जब अर्थ सन के बिल्कुल पास होती है, तो उसको कहा जाता है पेरिहेलियन, हिंदी में उसको उपसौर बोलते हैं।